शिवराष्ट्र सेना के सदस्यों ने गुरुवार की शाम शास्त्री चौराहे पर केरल सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। सेना के सदस्यों का कहना है कि केरल सरकार द्वारा साध्वी सरस्वती पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो हिंदू विरोधी कार्य है। उन्होंने कहा कि देश की जनता हिंदू विरोधी सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर शिवराज सेना के प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार, अंकित शर्मा, संजय गुप्ता, सुधीर गौड़, सूरज अभिनंदन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिवराज सेना के प्रदेश अध्यक्ष रितेश कुमार ने कहा, केरल सरकार मुर्दाबाद, केरल सरकार मुर्दाबाद, केरल सरकार मुर्दाबाद, 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 केरल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केरल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साध्वी सरस्वती जिंदाबाद, 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 साध्वी सरस्वती जिंदाबाद, 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 साध्वी सरस्वती जिंदाबाद। आज हम लोगों ने केरल सरकार का पुतला फूंका है। अभी हाल ही में हम सबकी मार्गदर्शक साध्वी सरस्वती जी का कार्यक्रम था केरल सरकार में, जहां पे हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जिससे कि सरकार की नींद उड़ गई थी और उन्होंने लव जिहाद के मामले में वहां पे मंच से हिंदुत्व को जागरूक होने के लिए भाषण दिया था। इसी को देखते हुए वहां की वामपंथी सरकार ने साध्वी सरस्वती जी पर केस किया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने गोरखपुर से ये पुतला फूंकने का कार्यक्रम और जन आंदोलन का कार्यक्रम अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सहित भारत के कई प्रांतों में शिवराज सेना इसका जन आंदोलन करने के लिए तैयार है, अगर ये केस वापस नहीं लेते हैं वामपंथी सरकार, केरल सरकार।